अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज हमारे पास न्यूमेरिकल है 5.6 की स्टेटमेंट देखिए क्या है जी हमारे पास। द वैल्यू ऑफ द जी इज 4 m/s² 5.6 देखिए, द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस उसने आपको गिवन किया है कितने के हमारे पास 487,000 किलोमीटर। किलोमीटर को बच्चे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में। हाँ जी देखिए, साइंटिफिक नोटेशन यूज करके डेसिमल प्लेसेस 10 रेज की पावर क्या आएगा 4, किलो को क्या आएगा 10 रेज की पावर 3, 4 + 3 कितना आएगा 10 रेज की पावर 7 मीटर, 4.87 10 रेज की पावर 7 मीटर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, उसके अलावा जी एच आपने हाइट एच के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या करनी है बच्चे कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या है हमारे पास, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। आर मॉड जो है ऑर्बिटल रेडियस इक्वल होता है आर प्लस एच के। अच्छा जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू पुट करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, आर प्लस एच की वैल्यू 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 7 का क्या बचे स्क्वायर। 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 40.038, बेस सेम है 10 की पावर्स क्या हो जाएंगी 8 माइनस 11 प्लस क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 23.71 4.87 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 रेज पर 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 रेज की पावर 14 प्लस 14 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 रेज की पावर माइनस 14 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर क्या आ जाएगा बच्चे 13 माइनस 14 माइनस 1 40.038 को डिवाइड करेंगे 23.71 पे तो आपके पास आंसर आएगा 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 1 जो 13 माइनस 14 से आया आंसर हमारे पास। उसके बाद देखिए डेसिमल प्लेस को जब आप 1 से रिमूव करेंगे बैकवर्ड 0.168 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसकी आंसर पावर क्या आ जाएगी 10 रेज की पावर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 बच्चे क्या आ जाएगी कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हाइट एच के ऊपर कितना आ जाएगा 0.17 m/s². ये हमने राउंड ऑफ कर दिया, 8 ग्रेटर देन 5 है, प्रीवियस वैल्यू में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा 0.17 m/s² हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5.7 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द जी इज 4 m/s² एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर बच्चे आपके पास R प्लस एच की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है R प्लस एच की वैल्यू है, और उसके अलावा उसने आपको दे दिया फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या करना है आपने फाइंड करनी है। जी एच की वैल्यू हमें पता है 4 m/s², ग्रेविटेशन आर मॉड की वैल्यू पता है आपके पास आर प्लस एच जो कि इक्वल है 10,000 किलोमीटर, 10,000 को 10 रेज की पावर 4 और किलो का क्या आ जाएगा 10 रेज की पावर 3 तो आपके पास 10 रेज की पावर 7 मीटर बन जाएगा ऑर्बिटल रेडियस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ जी मैथ्स ऊपर तो आपने कैलकुलेट करना है, पहले फार्मूला ट्राई कर लेंगे आर प्लस एच होल स्क्वायर बच्चे डिवाइड हो रहे उधर जाके क्या आएगा मल्टीप्लाई और आपके पास कैपिटल सी मल्टीप्लाई उधर जाके क्या आएगा डिवाइड। मैस एम ई जो मैस ऑफ अर्थ है उसका फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, अब गिवन वैल्यूज क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच कितना है 4, 10 रेज की पावर 7 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे 14 और आपके पास माइनस 11 ऊपर जाके क्या आएगा प्लस 11 बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 4 को डिवाइड करेंगे 6.673 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 14 प्लस 11 ऐड करके 25 आ जाएगा। यानी फिर आपने क्या करना है डेसिमल प्लेस चेंज करनी है, 0.5 से आप ले जाएंगे 5 और 9 के बीच में 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 25 और उसकी पावर क्या होगी हमारे पास -1 25 माइनस 1 क्या आएगा 10 रेज की पावर 24 केजी 5.99 बच्चे राउंड ऑफ करके आप मास ऑफ अर्थ कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 24 केजी। उसके बाद आ रहे हैं 5.8 के ऊपर, 5.8 आपसे कह रहा है एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ द जी हाइट एच आपने क्या करनी है बच्चे कैलकुलेट करनी है वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बच्चे जी की वैल्यू कितनी होती है 10 m/s² वो आपसे कह रहा है हाइट एच के ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सरफेस की वैल्यू का 1/4 बन जाएगा 1/4 इनटू जी तो जी एच की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 10/4 2.5 m/s². उसके बाद बच्चे हमें रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता होती है 6400 किलोमीटर, हम उसको राइट कर सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6 मीटर।
उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता होती है, हाइट h आपने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी एच इज इक्वल टू जी एम ए ओवर आर प्लस एच का स्केयर। आर प्लस एच का स्केयर हमारे पास हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, इस टर्म को आप उधर ले जाएंगे, जी एच को नीचे ले आएंगे, आर प्लस एच का स्केयर हाइट एच कैलकुलेट करनी है, एल्टीट्यूड स्केयर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्केयर रूट। दोनों साइड्स पर आपने क्या लिया, स्केयर रूट ले लिया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम ई ओवर जी एच होल पे क्या है स्केयर रूट। रेडियस इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जी एम ई ओवर जी एच माइनस क्या हो जाएगा आपके पास रेडियस आर। उसके बाद जो गिवन वैल्यूज है वो इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हाइट h इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ ओवर 2.5, रेडियस हमने एज इट इज लिख दिया 6.6734, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 40.038, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी एट माइनस 11 प्लस 24 क्या आ जाएगा आंसर 10 रेज की पावर 13 डिवाइड बाय 2.5, 2.5 पे डिवाइड करेंगे 16.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 1 बच्चे हमने इसलिए लगाया क्योंकि तो स्क्वायर रूट लेना है, पावर का इवन होना लाजमी है, हां जी 6160.1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 12 160.1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा